वेलकम बैक टू माय चैनल गुड ईट्स विद अनुपमा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम बनाने वाले हैं अनियन टमाटो रेड चटनी, जो हमारे डोसे और इडली के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक प्याज, दो टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूं मैं यहां पर, फ्रेश करी लीव्स, एक ग्रीन चिली, हींग पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ले रही हूं, फ्रेश धनिया, हल्दी पाउडर, जीरा और थोड़ा सा हमें यहां पे लगेगा तेल। लास्ट में हम लेंगे यहां पे दो रेड चिली और थोड़ा सा हम लेंगे यहां पे शुगर। तो चलिए सबसे पहले हम पैन में दो टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेते हैं। मैं इस ऑयल को हमारे पैन में अच्छी तरीके से फैला लेती हूँ। ऑलमोस्ट हमारे पैन में ऑयल अच्छे से फैल गया है और इसे हम थोड़ी सी देर गर्म होने के लिए रख देते हैं ऑयल को। हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हींग पाउडर। हींग पाउडर से जो हमारी चटनी है उसमें फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। हींग पाउडर भी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है तो इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में हम ऐड कर देंगे हमारे फ्रेश अनियंस। इस टाइम पे आप याद रखिए कि हमारी जो गैस है उसकी फ्लेम स्लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए वरना हमारी प्याज जल जाएगी और उसका जो कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसे हम मध्यम आंच पे इस तरीके से सॉटे करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अभी रेड चिली, ग्रीन चिली भी मैं अभी डाल देती हूँ और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारे करी लीव्स। ये सारी चीजें देखिए इस तरीके से इन्हें हम सॉटे करते रहते हैं। इन सब को इस तरीके से सॉटे करने के बाद हमारे प्याज कुछ श्रिंक हो जाएगी। ये देखिए कुछ श्रिंक हो गई हमारे प्याज। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारे फ्रेश टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद फिर से एक बार इसे हम सॉटे कर लेते हैं। ये सारी चीजें जब अच्छी तरीके से ब्लेंड होंगी मिक्सी में तो इनकी जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो ये सारी चीजें हमने सॉटे कर ली हैं। ये देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अभी हल्दी पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड कर लीजिए और फिर से एक बार इसे हम सॉटे करते हैं। देखिए हमारी चटनी कुछ ज्यादा कलरफुल दिख रही है। ये सारी चीजें ब्लेंड होने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर देंगी हमें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में थोड़ी सी शुगर। शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी सी थिक चटनी पसंद है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम पानी ऐड कर रही हूं। आप चाहें तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं और इसे हम लिड की हेल्प से ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे रख देते हैं। पांच मिनट के बाद हम ये लिड हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमारा पानी है वो एब्जॉर्ब हो गया है और ये देखिए हमारी जो चटनी है
इसके जो टमाटर प्याज जो हमने डाले हैं वो ऑलमोस्ट श्रिंक हो गए हैं, तो इन्हें हम रख देते हैं थोड़ी सी देर ठंडा होने के लिए। तो ये चीजें जब ठंडी हो जाएगी तो इसे हम क्या करेंगे, हमारे चटनी जार में पोर कर लेते हैं और इसे हम मिक्सर में पीस लेते हैं। तो मिक्सर में पीसने के बाद हमारी चटनी का कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए हमारी चटनी का कलर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे मैं फिर करी लीव और फ्रेश रेड चिली के साथ सर्व करूंगी। तो आप भी इस चटनी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।